आज 21 जून की शाम की प्रेस ब्रीफिंग हम लोग कर रहे हैं। आज 212 सैंपल भेजे गए, आज दिनांक तक भेजे गए कुल सैंपल 10,661। आज स्वस्थ होके डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 11, 10 लोग मेडिकल कॉलेज से स्वस्थ होके घर गए हैं और एक व्यक्ति विक्टोरिया से स्वस्थ होके घर गए हैं। आज दिनांक तक कुल डिस्चार्ज किए गए व्यक्तियों की संख्या 279। विगत 24 घंटे में पॉजिटिव पाए गए व्यक्तियों की संख्या 17, बचे हुए एक्टिव केस 59। आज दिनांक तक कुल संक्रमित व्यक्ति 352। विगत 24 घंटे में मृत मरीज की संख्या 1। आज दिनांक तक कुल मृत मरीजों की संख्या 14। कुल सस्पेक्टेड व्यक्ति 286। कुल एक्टिव कंटेनमेंट क्षेत्र 14। संस्थागत क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 416। होम क्वारंटीन किए गए व्यक्तियों की संख्या 3684। जो एक महिला की मृत्यु हुई है कल रात में, उस प्रकरण में CMHO ने जांच की है और CMHO साहब ने मैदानी अमले जो डॉक्टर हैं जिनकी जिम्मेदारी है ऐसे हाई रिस्क पेशेंट की निगरानी रखना, कम से कम सप्ताह में 2 दिन उनके घर विजिट करना और निगरानी रखना, और अगर कोई समस्या है तो वरिष्ठ जो है लोगों को बता के फिर उस हिसाब से उनका इलाज शिफ्टिंग कराना, उसमें कहीं ना कहीं लापरवाही मिली है। तो 2 जो मैदानी डॉक्टर हैं उनको नोटिस दिया गया है, अन्य मैदानी अमले पर कार्रवाई की जाएगी। निर्देश दिए गए हैं कि चाहे शहरी क्षेत्र हो जबलपुर नगर निगम का, चाहे अन्य निकाय हो या ग्रामीण क्षेत्र हो, जो भी हाई रिस्क हैं या सारी ILI वाले जो पेशेंट हैं, एक तो वो हमारे फीवर क्लिनिक्स में पहुँचे। शहर में हमारे फीवर क्लिनिक हैं करीब 25 और ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं और कुछ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो हैं, तो वहाँ पे पहुँचें, उनकी स्क्रीनिंग हो और उनको डाटाबेस में लेके उन पर लगातार मैदानी अमला निगरानी रखे, जिससे कि मृत्यु ना हो लोगों की, समय रहते उनका इलाज हो। क्योंकि कोरोना में ऐसा नहीं है कि इलाज नहीं हो सकता, अगर समय पे कोई गंभीर पेशेंट भी है जिसको पहले से बीमारियां हैं और समय रहते अगर वो अस्पताल पहुंचेंगे, बहुत सीरियस जो है गंभीर बीमारी के लोग हमारे मेडिकल कॉलेज में पहुंचे हैं और वो स्वस्थ होकर घर गए हैं, 70 साल के लोग, 75 साल के लोग। टिड्डी दल आज कुंडम क्षेत्र में देखा गया है, वहाँ पे अमला उसको भगाने की कोशिश कर रहा है और पनागर साइड में वो जा सकता है। हमारा राजस्व कृषि और किसान भाई पूरी तरह से तैयार हैं और हम लोग सतर्क हैं। जो कोरोना का बेस्ट है, मास्क हैं, ग्लव्स हैं, PPE किट है, ये अन्य चीज़ें हैं, इनका सही डिस्पोजल होना जरूरी है। इसका प्रोटोकॉल भी स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही जारी किया है। नगर निगम को निर्देश दिए गए हैं कि इसको लेके एक अलग डस्टबिन बनाए और उसमें मेडिकल वेस्ट के साथ कोरोना वेस्ट डाला जाए, समय पर उसको इकट्ठा किया जाए, फिर कठौंदा में जो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम है वहाँ पे उसका प्रॉपर डस्टबिन किया जाए और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम का स्वास्थ्य अमला इसकी प्रॉपर निगरानी करे, जिससे कि प्रॉपर डिस्पोजल इस वेस्ट का हो। आज का विराम था, सप्त विराम था, सूर्य ग्रहण था, नर्मदा तटों पे प्रतिबंध लगाया गया था, आज आप सब लोगों का बहुत अच्छा सहयोग मिला है, अच्छा विराम हुआ है, इसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आपसे सबसे ऐसे ही सहयोग की अपेक्षा है, हमें लगातार सतर्क जागरूक रहना है, दूसरों को भी जागरूक करना है, मास्क लगाना है, सही मास्क लगाना है, अनावश्यक रूप से बाहर नहीं निकलना है, 2 गज की दूरी बनाए रखना है, लगातार बनाए रखिए, लगातार सहयोग करते रहिए, धन्यवाद। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।